सर्दियों के मौसम में गुड़ और अदरक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जो रेसिपी आप साथ शेयर कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है कुछ लोगों को ऐसे जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है घुटनों या शरीर में दर्द बनी रहती है एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे ऐसे कुछ खाना पसंद नहीं करते जो रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते इस तरीके से हमने इसे बनाया है बनाने बहुत आसान है खाने में बहुत टेस्टी मज़ेदार हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए हमने जो नट्स और सीड्स इस्तेमाल करें रात भर भीगने के लिए रखे थे आप चाहें तो बिना भिगोए हुए भी बना सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़े से बादाम लिए आधा कप के करीब वन फोर्थ कप सारी चीज़ें ली हैं इसमें जो भी नट्स या फिर सीड्स आपको पसंद नहीं है उसका टेस्ट वो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने 100 ग्राम अदरक ली जिसका हमने छिलका निकाल दिया पोस्ता लिया है वन फोर्थ कप यहाँ पे पोस्ता इस्तेमाल करा है साथ में वन फोर्थ कप गोंद जो कि जाड़े में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है यहाँ पे पैन में हमने थोड़ा घी इस्तेमाल करा है और इसमें हमें घी जब गर्म हो जाए तो गोंद को भून लेना है मीडियम लो फ्लेम पे गोंद को भूनेंगे नहीं तो एकदम से जल जाएगा बहुत ज्यादा छोटे साइज का इसलिए बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है गोंद को भून लेंगे अच्छी तरीके से अगर गोंद अच्छा सा सूखा नहीं है तो अच्छे से भून नहीं पाएगा जो इसका ध्यान रखना है सूखा ना हो तो उसे आप धूप में रख दें फिर उसे भूनें साथ में पोस्ते को भी हमें सेम पैन में ही हल्का सा रोस्ट कर लेना है दोनों चीज़ों को अब जार में डालना है हमें अदरक जो हमने इस्तेमाल करी है साथ में आधा कप पानी डाल देना है कोई भी एक मेजरिंग कप आप ले लीजिए फिर उसी से सारी चीज़ें फिर मेजर करके आप डाल सकते हैं आधा कप पानी डाल के अदरक को हमें एकदम फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है इसमें तो थोड़े से रेशे होते हैं तो बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनता है लेकिन जितना हो सके बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे जब अदरक का पेस्ट बन जाएगा तो इसमें भीगे हुए पिकांस हमने ऐड कर दिए जिसका पानी सारे नट्स भीगे हुए थे उसका पानी हमने निकाल दिया है बादाम ऐड कर दिए हैं साथ में काजू और जो हमने सीड्स भिगो हुए थे सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसका हमें दरदरा पेस्ट बना लेना अब इस चीज पे हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि अदरक में हमने पानी पहले डाला ही था इसका दरदरा पेस्ट बनाएंगे जब उसका पेस्ट बनाएं तब तो इसमें ना बीच बीच में एक बार स्टर कर करने से पल्स मोड पर चलाएंगे नहीं तो एकदम ही सारा नीचे का ना बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा अब यहाँ पर मेरे लिए कढ़ाई इसमें डाल दिया टू टेबल स्पून घी घी थोड़ा गर्म होगा तो इसमें हमने आधा टी स्पून हल्दी डाल दी है हल्दी को बहुत तेज आज पर नहीं पकाना है और यहाँ आपने आधा टी स्पून अजवाइन डाली है जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और अब यहाँ आपने गुड़ लिया है तो गुड़ आप जैसे कई तरह के मार्केट में आते हैं आप उसे ग्रेड भी कर सकते हैं तो एक कप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे लेकिन पहले हल्दी वाला जो पानी है ना इसको एक बार अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इसके अंदर अब एक कप हमने गुड़ का इस्तेमाल करा है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इस स्टेज पर हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है अब इस मिक्सचर को उबल जाने देंगे कम से कम तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गुड़ पक जाए पानी के अंदर तो आप देख सकते हैं अच्छे से बबल आ रहे हैं इसके अंदर तीन से चार मिनट बाद में अब इसके अंदर हमने मिक्सचर बना के रेडी किया है उसको ऐड कर देते हैं और मिक्सचर को डालने के बाद में इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए तो सर्दियों के टाइम पे इस टाइप की हेल्दी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमने एक बादाम पाक बनाए गोंद के साथ में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है उसमें खजूर का इस्तेमाल करा है अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ और वहाँ पर आपके जाके देख सकते हैं वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे कि मिक्सचर थोड़ा लिक्विड सा लग रहा है पानी सा काफ़ी लग रहा है अभी इसे और पकाएंगे लेकिन उससे पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि एक कप मखाना इसको चाकू से मैंने काट लिया मखानों को थोड़ा छोटे पीस कर लिए और जब मैंने गोंद पोस्ता का भून के रखा था ना वो इसमें ऐड कर दिया है इसमें मैंने जायफल का इस्तेमाल करा है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं इस रेसिपी को ना बच्चों को भी दे सकते हैं जैसे कुछ न्यू मॉम होती है ना उनके लिए अच्छा है लेकिन अगर चाहें तो इसमें अदरक की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं ज़्यादा अजवाइन की क्वान्टिटी बढ़ा सकती हैं और इसमें थोड़ा गर्म मसाले से काली लॉन्ग वो सारी चीज भी ऐड कर सकती हैं लेकिन हमने बच्चों को अगर देना है तो इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा ज्यादा गर्म मसाले हो जाएंगे अब यहाँ पे सारी चीजें हमने मिक्स कर ली है और इसे पकाएंगे कवर करके छे से सात मिनट के लिए बीच में स्टर करते रहेंगे नहीं तो नीचे से एकदम ये जल जाएगा बीच में हमने घी भी डाला था तो टोटल तो हमने छह टेबल स्पून घी इस्तेमाल करा है इस रेसिपी के अंदर एदे जैसे गेहूँ के आटे को आप और हेल्दी कैसे बना सकते हैं उसका भी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया हुआ अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को अब अपनी रेसिपी में वापस आते हैं छः से सात मिनट के लिए इसे हम कवर करके पका चुके थे इसे और पकाएंगे सात से आठ मिनट के लिए ताकि गाढ़ा हो जाए मिक्सचर इसका फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है पानी इसमें रहेगा तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा साथ में ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप घी कम डालेंगे तब भी जल्दी से ख़राब होने लग जाता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो फ्रिज में रखिए जब खाना हो तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और दूध के साथ में लीजिए न्यू माम अगर अपने लिए बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर अदा की क्वान्टिट्टी और जो गर्म मसाले होते हैं ना वो उसकी क्वान्टिट्टी आप बढ़ा सकते हैं अगर बच्चों को भी देना है तो बहुत ज्यादा गर्म मसाले ना ऐड करें और बच्चों के हिसाब से एज के हिसाब से अपने जितना उन्हें फायदा करता है उतना आप दे सकते हैं दूध के साथ में बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है ठंडा हो जाए मिक्सचर तो आप इसे किसी भी कांच की बॉटल में भर के रख सकते हैं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग